दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को आक्रामक ढंग से बढ़ा रहा चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपनी मुट्ठी में करने में जुटा है। पाकिस्तान शुरू से ही चीन का पिछलग्गू रहा है। वहीं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में चीन ने हालिया वर्षों में अपने पांव जमाने की कोशिश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के म्यांमार दौरे पर है। 19 सालों में किसी नेता का ये पहला म्यांमार दौरा है। हालांकि ये दौरा भारत के लिए कई चिंताओं को बढ़ा सकता है, वो भी तब जब म्यांमार के साथ उसके संबंध बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मुस्लिमों के दुश्मन नंबर 1 देश म्यांमार और चीन के लिए कहा जाए तो दोनों देशों में कई समानताएं हैं जो इनके रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं। चीन और म्यांमार में पिछले 7 दशकों से राजनयिक रिश्ते रहे हैं। इस वक्त दोनों ही देश एक ही मामले में दुनिया की आलोचना झेल रहे हैं। मुस्लिम विद्रोहियों के खिलाफ दोनों ही देशों में दमनकारी नीतियों को अपनाया गया है। चीन में जहां उइगर मुसलमानों के साथ कड़ाई का व्यवहार किया जा रहा है, वहीं रोहिंग्याओं के साथ म्यांमार का व्यवहार भी दमनकारी रहा है। चीन म्यांमार में देख रहा अपना हित। म्यांमार चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में कई प्रोजेक्ट्स के साथ एक बंदरगाह को भी विकसित करने में जुटा है। ये म्यांमार के पश्चिमी तट में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हालांकि म्यांमार आसानी से चीन के सामने बंगाल की खाड़ी में बन रहे बंदरगाह की लागत को 9 बिलियन से घटाकर 1.3 बिलियन तक लाने में कामयाब रहा है। इसके साथ ही बीजिंग इरावजी नदी पर ठप पड़ी 6,000 मेगावाट के मिटसोन बांध परियोजना को शुरू करना चाहता है। इस परियोजना की लागत $3.6 बिलियन है और इससे पैदा होने वाली 90% बिजली चीन को देना निश्चित है। म्यांमार अच्छे से चीन के ऋण जाल में फंसने के खतरे को जानता है, क्योंकि चीन ने पहले ही म्यांमार को 40% या $4 बिलियन के विदेशी ऋण का हिस्सा बना लिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा पर सशस्त्र विद्रोहियों की उपस्थिति के कारण भी संबंध असहज बने रहे जिनको बीजिंग का समर्थन हासिल है। 2015 में भी विद्रोहियों और म्यांमार सरकार के बीच एक शांति समझौते की हंसी उड़ी थी, क्योंकि पश्चिमी सरकारों और जापानी सरकार इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। भारत के लिए बड़ी चिंता। बंगाल की खाड़ी में चीन बंदरगाह बनाने में जुटा है। इसके निर्माण के बाद भारत पूरी तरह से चीनी घेरे में होगा। श्रीलंका पहले ही अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 सालों की लीज पर दे चुका है। वो अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने में जुटा है। रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद के दौरान चीन ने स्वयं को मध्यस्थ की भूमिका में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा दक्षिण एशिया में नई दिल्ली अलगाव झेल रही है। यहाँ तक कि नेपाल में चीन हाई स्पीड रेल लिंक बना रहा है। वही श्रीलंका में चीन समर्थक सरकार को गोटबाया ब्रदर्स चला रहे हैं, जहाँ गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंद्रा राजपक्षे चीन की ओर झुक रहे हैं।